पूरे प्रदेश में 55,000 कर्मचारी हैं, अगर इनकी मांग पूरी होती है, वेतनमान निर्धारण होता है, तो मामा का साथ देंगे, शिवराज सिंह चौहान का साथ देंगे, मुख्यमंत्री जी का साथ देंगे, अगर नहीं होंगी तो विरोध करेंगे। आरएसएस के पूर्व प्रचारक अगर बना रहे हैं इस तरीके से, क्या लग रहा है कि आपस में ही फूट है? आपस में ही फूट है और क्या है। कहते ना मोदी की बिजनेस नीति बहुत अच्छी है, महंगाई पे कंट्रोल नहीं कर पाया वो। चोर गठबंधन है, कौन नेता है उसका? सारे भ्रष्टाचारी है एक साथ। क्या तो नहीं पता, पर्सनली तो बीजेपी फेवरेट है, पर्सनली। स्टेट में मोदी रहना चाहिए, एमपी में कांग्रेस आना चाहिए। वैसे बीजेपी तो इंडिया, ये इंडिया में क्या है, आना चाहिए कांग्रेस, आना चाहिए कांग्रेस, आना चाहिए हमारे हिसाब से। आप नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम फोर, मैं प्रभात। अभी इस वक्त मैं ग्वालियर में हूँ, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। जैसा कि आपको पता है कि ये चुनावी मौसम है और 2024 का लोकसभा चुनाव भी नज़दीक है। इसके पहले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान तमाम राज्यों में सेमीफाइनल होने वाला है, जिसमें ये तय होगा कि आने वाले समय में क्या जो है मोदी सरकार रहेगी, या फिर उसके बाद दूसरी कोई सरकार आएगी, या कुछ क्या कुछ है, और राज्यों में किस तरीके का माहौल है। यहाँ पर कुछ लोग प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर आए हुए थे। यहाँ पर एक पार्क है, फूलबाग है जगह का नाम। यहाँ पर तमाम लोग हैं, उनसे बात करेंगे क्या मुद्दे हैं इनके और किस तरीके से इस बार यहाँ पर चुनावों को लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं। सबसे पहले आपसे जानते हैं कि क्या कहेंगे आप यहाँ पर, जो आप लोग बैठे हुए हैं, क्या मुद्दे हैं आपके, क्यों आप लोग यहाँ पर आए? हम यहाँ पर सहकारिता कर्मचारी महासंघ की बैनर तले सभी कर्मचारी यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम लोगों की एक ही मांग थी, वेतनमान। अगर सरकार हमारा वेतनमान करती है तो हम सरकार के साथ में हैं, नहीं हम विरोध में आकर के प्रदर्शन करेंगे। कितने दिन से आप लोग यहाँ पर बैठे हैं? आज हमको 27वां दिन है। 27वां दिन हो गया, तो क्या कोई सरकार अभी तक कुछ आप लोगों के मुद्दे पर कुछ गंभीर दिखाई दे रही है? हाँ, सरकार ने अभी हमको आश्वासन दिया है, लेकिन लिखित में आदेश नहीं मिला है। अभी हमको सहकारिता मंत्री के द्वारा बताया गया है कि हमारी महापंचायत 15 तारीख को भोपाल में बुलाई जा रही है। इसके संबंध में हम लोग सब एकत्रित हुए हैं और महापंचायत में जाने के लिए तैयारियाँ हैं, और वहाँ पर क्या निर्णय लेती है सरकार, उसके बाद में हम जो भी फाइनल होगा वो करेंगे। अभी यहाँ पर जो कल यहाँ पर एक चुनावी रैली भी हुई है, क्या कुछ कहेंगे आप लोग? लोग ये जानना चाह रहे हैं कि राज्यों में क्या कुछ हो रहा है, आप लोग कैसे सोच रहे हैं? अभी एमपी सरकार में भाजपा सरकार कार तो अपना अच्छा कर रही है, और जो बहनों को दे रही है पैसा वो भी अच्छा है, बहन खुश हैं उनकी। जो कभी खाते में उनके पैसे नहीं आते थे, आज एक एक दो दो ढाई ढाई हज़ार रुपये जो महीने 3 महीने से 3,000 आए हैं, तो बहनों के चेहरे पर मुस्कान हंसी है। और रहा सहकारिता की मांग की, तो हम लोग ऑनलाइन सिस्टम होने से, और जनता का एक ही कर्मचारी जो होता है सेल्समैन, एक ही 500 आदमी को प्रतिदिन झेलता है। वेयर हाउस के अंदर 52 किलो के कट्टे गेहूँ आते हैं, हमारे यहाँ 51 किलो, क्यों? वेयर हाउस के अंदर वो नमी बढ़ जाती है, इसलिए वो ज़्यादा। और फिर सेल्समैन जब 10 दिन बाद तोलते हैं तो वो 50 किलो का वेयर रह जाता है। इससे सारे सेल्समैनों को दिक्कत इतनी खड़ी हो गई है कि उनको घाटा कहाँ से भुगते हैं, वो कहाँ से अपने गृह से मिलाए। उनकी तनख्वाह विचार होगी 6,000-7,000, अब 6-7 हज़ार रुपये में कैसे अपना घर गृहस्थी चलाए। ये हमारा मुद्दा है, मांग है। हमारा मुद्दा ये है कि सेवा नियम सारे लोगों की बनाई जाए, शासन की तरफ से हमारा वेतन हो जाए, एकमात्र हो जाए, सभी को एक सम्मान वेतन मिले, जिससे हम शासन के प्रति बहुत अच्छा कार्य करें। वैसे हम अधिकतर सहकारिता कर्मचारी शासन के इम्पोर्टेंट कार्य करती है, जैसे चाहे वो खाद बीज का काम हो किसानों के लिए, चाहे गेहूँ खरीदी का काम हो, चाहे जनता को खाद्यान्न वितरण करने वाला काम हो, चाहे MDM स्कूल के बच्चों का MDM वितरण करने वाला काम हो, ये सारे शासन के इम्पोर्टेंट काम करने के बावजूद हम लोग सुखी नहीं हैं कर्मचारी। अब हमारी मांगों को स्वीकार करने जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। 15 तारीख को हमारी भोपाल में महासभा बुलाई गई है, और हमें यहाँ तक उम्मीद है कि हमारी मांगों को वो पूर्ण करेंगे। जब सारे कर्मचारियों को बाकायदा माननीय मुख्यमंत्री जी दे रहे, चाहे वो अतिथि शिक्षक होए, चाहे मास्टर जो होए, चाहे स्वास्थ्य विभाग के हो, तो सहकारिता के लिए हमें उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि हमारी भी मांग पूर्ण होगी, जिससे हम सब लोगों को चेहरे पे खुशी आएंगी। अगर नहीं पूरी होती फिर आप लोग क्या करने वाले? यदि नहीं पूरी होगी तो जो हमारे सारे लोग डिसीजन लेंगे उनके साथ हम लोग। सरकार
भाई भाई बात कर रहे हो, सरकार बदलाव करेंगे नहीं मानेंगे, मांगेंगे तो सीधी बात है। क्या कह रहे हैं आप, ये आप ही बता दीजिए। सहकारिता कर्मचारी हैं, अगर सरकार इनकी मांगे मानती है तो सरकार का समर्थन करेंगे, अन्यथा सब लोग सरकार का विरोध करेंगे, सरकार बदलने के लिए पूरी ताकत लगाएंगे। जितने पूरे प्रदेश में 55,000 कर्मचारी हैं, अगर इनकी मांग पूरी होती है, बेतनवा निराड़ होता है, तो मामा का साथ देंगे, शिवराज सिंह चौहान का साथ देंगे, मुख्यमंत्री जी का साथ देंगे, अगर नहीं होंगी तो विरोध करेंगे सरकार। आपको लग रहा है वैसे कि कुछ काम नहीं हो पाए, जैसे आप लोगों के मुद्दे हैं कुछ इस तरीके से, बेरोजगारी महंगाई? 2008 से हमारा महासंघ चल रहा है, अभी तक तो हमारी मांग पूरी नहीं हुई है। 2008 से लड़ाई लड़ रहे हैं, समझे समझे कितनी 15 साल हो गए, 15 साल से तो सुनवाई नहीं हुई है, और शायद मामा की 18 साल से सरकार है, सुनवाई होना चाहिए। अगर सरकार में सुनवाई नहीं होगी तो विरोध करें। क्या है, प्रदर्शन भी आप लोग बड़े स्तर पे करने वाले हैं? हाँ, करने वाले हैं, भोपाल को 15 तारीख। 15 तारीख से जी। चुनाव में अक्सर आपने देखा होगा कि हम कोशिश करते हैं कि जगह जगह जा करके, और राज्य के वो चुनाव हों या फिर विधानसभा के या फिर लोकसभा के, सबको कवर करते हैं, और साथ ही साथ ये भी दिखाते हैं कि वहाँ पर क्या कुछ खास है, कुछ खास लोगों से भी मिलवाते हैं। यहाँ पर जहाँ पर अभी हैं, यहाँ पर ये ग्वालियर है, ग्वालियर का ये पाटंगर चौराहा है, और यहाँ पर आपको पता है कि ये मध्य प्रदेश का ग्वालियर है ये, और पूरे मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाला है, विधानसभा चुनाव, और शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और इस बार क्या कुछ माहौल है, क्योंकि चुनाव के नज़दीक आते ही हम ये जानने निकल पड़े हैं कि क्या कुछ माहौल है, लोग किस तरीके से सोचते हैं राजनीति के बारे में, और क्या मोदी की वजह से लोग यहाँ पर वोट देते हैं, या शिवराज सिंह चौहान की अभी चल रही है, या फिर विपक्ष यहाँ पर मजबूत हो रहा है, इंडिया गठबंधन के नाम पर कुछ चर्चा हो रही है, इसी के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ अभी आपको सबसे पहले ले चलते हैं, ये जो दुकान है छोटे लाल कचौड़ी वाले की दुकान है, यहाँ पर आपको दिखाते हैं कितनी भीड़ है, यहीं पर बात भी करेंगे, यहीं पर नाश्ता भी लेंगे। और ये कचौड़ी वाली दुकान चूँकि फेमस है, काफ़ी पुरानी है, 80 से 100 साल पुरानी बताते हैं। देखिए यहाँ पर एक अंकल खा भी रहे हैं कचौड़ी, यहाँ पर बेड़ई जो है, बेड भी पूरी जैसा होता है, वो काफ़ी फेमस है, ये देखिए कचौड़ी खा रहे हैं, बेड़ई यहाँ से खा रहे हैं, और तमाम लोग यहाँ पर जायका लेते हुए सुबह सुबह देखे जा सकते हैं। सुबह काफ़ी भीड़ भी रहती है, और इसी तरीके की भीड़ यहाँ पर दिखती है। क्या कहेंगे आपको, यहाँ पर ये पसंद आता है, यहाँ डेली आते हैं या पहली बार? डेली आते हैं भैया, डेली आते हैं। अच्छा, क्या खाते हैं यहाँ पे? समोसा बेरे। क्या खास है इसमें, क्या लगा आपको? बहुत अच्छा लगता है, टेस्ट लगता है। बहुत पुरानी दुकान है, बहुत पुरानी दुकान है। आप लोग कहाँ से हैं? मैं बिहार से हूँ। बिहार से हैं, तो यहाँ पर अभी किस लिए आए? यहाँ पे मैं रहता हूँ 10 सालों से। 10 साल आपका इलेक्शन में चुनाव भी वोट करेंगे आप यहाँ पे? बिल्कुल। क्या लगता है इस समय क्या माहौल लग रहा है? माहौल लाडली योजना से बीजेपी के पक्ष में है, बीजेपी के पक्ष में, लाडली बहन योजना से। अच्छा, जय भाजपा, विजय भाजपा। लेकिन ये कहा जा रहा है ना कि इंडिया गठबंधन जब से बना है तब से विपक्ष भी मजबूत हो रहा है। चोर गठबंधन, चोर गठबंधन, कौन नेता है उसका? सारे भ्रष्टाचारी है एक साथ। ये भी तो कहा गया कि जो है यहाँ पर कमलनाथ सरकार की गिराई, कमलनाथ गिराई गई थी, कमलनाथ ने काम नहीं किया, सिंधिया जी अलग हो गए। कौन है गठबंधन, इंडिया गठबंधन का नेता? लालू नंबर वन का चोर, केजरीवाल भ्रष्ट, कांग्रेस सनातनी ने चोर, परंपरा चोर। कांग्रेस का नेता कौन है? राहुल गांधी को बताते हो? राहुल गांधी ने क्या किया देश के लिए? जब 10 साल पीएम थे मनमोहन सिंह, तो उनको तो चुपचाप करके बैठा के रखा था, 10 साल में कुछ नहीं किया। क्या किया? आज मोदी जी देखो डंका बजा रहे हैं देश में, कितना नाम रोशन है G20 से। बेरोजगारी बहुत सारी, कोई भी सरकार आएगी महंगाई को कोई नहीं रोक सकता। आज आमदनी भी तो बढ़ी है, मेरी सैलरी 2002 में 3,000 था, आज मैं 40,000 कमा रहा हूँ। महंगाई नहीं है, महंगाई बढ़ेगी तो इनकम भी बढ़ी है। जमीन के दाम भी बढ़ गए, मकान के दाम भी बढ़ गए, जिनके दाम कुछ कम थे अब तो दुगने तिगने हो गए, ये भी तो महंगाई हो गई एक तरीके से। आपकी आमदनी बढ़ गई है, देश सुरक्षित देश हाथों में है। आज देख लो, आज पाकिस्तान चुप है, चीन चुप है। पहले हम पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है, कुछ नहीं किया। चीन नेहरू खान ने दे दिया जमीन पाकिस्तान को, इंडिया को बांट दिया, अभी चीन कब्जा कर लिया, कहने से होता है, किसने देखा? नक्शा भी नया निकाल दिया है। अरे राहुल गांधी कह रहे हैं ना, वो कुछ भी कह सकते विपक्ष में, नक्शा निकाल दिया है। अरे कुछ नहीं हुआ है, चीन के राष्ट्रपति आए कहाँ G20 में? उन्हें अपने प्रतिनिधि भेजा, हुआ अपने देश में घिरे हुए हैं, नहीं आए तो क्या सफल नहीं हुआ G20? महंगाई नहीं है, महंगाई रहेगी कोई भी सरकार आए।
महंगाई को कोई कम नहीं कर सकता। पेट्रोल के दाम सस्ता किए है ना तभी तो। पेट्रोल सही है, अब हर चुनाव आते ही सस्ता। अटल जी के टाइम में 30 रुपए पेट्रोल था, जब कांग्रेस छोड़ के गई तब 89 के ऊपर था। तो महंगाई कोई सरकार नहीं कंट्रोल, ठीक है, लेकिन देखना चाहिए देश केंद्र में कितना अच्छा काम कर रही है। आज हाईवे देख लो आप, हम इतने मजबूत है बताइए आप। पहले अमेरिका में जाके हम रोते थे पाकिस्तान से बचाओ, चीन से बचाओ, आज वही लोग हमारे सामने नमस्तक है। डंका बज रहा है मोदी जी का, आपको भी लग रहा है डंका बज रहा है मोदी जी का? बिल्कुल, पूरी इंडिया में बहुत सीट आवेगी आपकी। इंडिया इंडिया आपने बोला हो तो भारत कह रहे हैं, भारत का भारत हो इंडिया कौन जी आएगा सब जगह से। लेकिन भाजपा कह रही भारत है इंडिया नहीं, आप इंडिया नहीं भाजपा भारत आएगा भाजपा। क्या क्या कारण है? कारण क्या है? अच्छा काम कर रहा है वो, क्या काम कर रहा है? क्या अच्छा काम किया? बढ़िया काम कर रहा है सब जगह। मोदी की वजह से ये सारी चीज हो रही है? यहाँ शिवराज सिंह चौहान ने कुछ किया? नहीं, शिवराज सिंह चौहान ने काम बहुत अच्छा काम किया है। हाँ, क्या कहना चाहेंगे जो अभी यहाँ पर आप लोग खाना पीना खा रहे हैं, लेकिन क्या चर्चा हो रही है पूरे मध्य प्रदेश में इस समय चुनाव को लेकर के? सर, चुनाव को लेकर तो अभी ऐसी कोई विशेष चर्चा तो नहीं हो रही, बाकी यही सीएम वगैरह आते हैं अपना अपना देखो प्रचार करते हैं, वो तो अपनी पार्टी को बचाने के लिए हर कोई प्रचार करता है, बाकी विशेष कोई ज़्यादा हम लोग दिमाग नहीं करते सर, क्योंकि हम बिजनेस मैन है, टाइम नहीं होता हम लोग पे इतना। नहीं, टाइम नहीं होता, लेकिन जैसे कोई भी चुनाव आता है तो आदमी सोचने लग जाता है कि इसी सरकार को वोट दें जो हमेशा जो है चुन करके आती है, या फिर कोई नया चीज़ का तो नहीं पता। पर्सनली तो बीजेपी फेवरेट है पर्सनली, बाकी सब की वजह से या फिर शिवराज सिंह एक ही अकेला वही नरेंद्र सिंह चौहान की वजह से। बाकी एमपी में अब सुधार आया है थोड़ा बहुत, एमपी में भी थोड़ा बहुत सुधार लाए हैं, ऐसा नहीं है कि लाडली बहन योजना समूह का सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी जब नॉर्मल ही था बेसिकली कुछ विशेष कुछ नहीं है। इस बार विपक्ष नहीं कुछ कर रहा है, इंडिया गठबंधन क्या सर? इंडिया गठबंधन कुछ नहीं कर रहा है आपको लग रहा है? सर ठीक है, अब जो अभी है बाकी बीजेपी बस मोदी के धक्के में ही है और कुछ नहीं है ऐसा। ये देखिए आपके बगल में ही लगा महंगी रसोई गैस को अब करो सरेंडर, कमलनाथ देंगे 500 रुपये में घर घर सिलेंडर। तो क्या महंगाई और इस तरीके से मुद्दा है यहाँ ग्वालियर में अभी भी? है, 990 का सिलेंडर है, 990 का सिलेंडर है इस वक्त ग्वालियर में। अच्छा, तो लेकिन क्या लग रहा है कि इस बार जैसे शिवराज सिंह चौहान इतने सालों से चुनते रहे हैं, क्या इंडिया जो गठबंधन बना है कुछ मजबूत दिखाई दे रही है उसके आगे? क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, सीटों को बंटवारे के पीछे आपस में लड़े नहीं बस। और जो लगता है मोदी जी का कैसे लगते हैं आपको? या मोदी जी की बिजनेस नीति बहुत अच्छी है, विदेश नीति, विदेश नीति तो मोदी जी की वजह से यहाँ पर चुनाव में वो लोग वोट देंगे या शिवराज सिंह मामा जी ने काम किया? एमपी में तो कांग्रेस को वोट देंगे और केंद्र में मोदी जी को वोट देंगे। अच्छा, एमपी में मतलब कांग्रेस को वोट देंगे लोग, क्या कारण है कि शिवराज सिंह चौहान जी को मामा जी को पसंद नहीं कर रहे लोग? वो घोषणाएं बहुत करते हैं, करते कुछ नहीं है। अच्छा, क्या घोषणाएं की जैसे उन्होंने कुछ? तमाम घोषणाएं कर रखी हैं, वही बताने की कोशिश की। सड़कें ऐसी हैं, सड़कों की हालत आप देख ही रहे हो, सफाई होती नहीं है नालियों की, पानी टाइम पे आता नहीं है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो ही नहीं हो रही पूरी। क्या ऐसे लगता है कि राज्यों के चुनावों में हर जगह जो है विपक्ष मजबूत है और बाकी मोदी के नाम पे वोट देते हैं लोग? कहते ना मोदी की बिजनेस नीति बहुत अच्छी है, महंगाई पे कंट्रोल नहीं कर पाया वो, रोजगार और ये सब की क्या स्थिति है? ये तो सब ऐसे ही है, कुछ खास नहीं है, कोई खास नहीं है, घोषणाएं करते रहते हैं। कमलनाथ जी की जो सरकार गिर गई थी, क्या उसकी वजह है यहाँ पर जो है? वो सिंधिया ने गद्दारी करी थी, उसमें से गिरी सिंधिया ने। अच्छा, यहाँ पे एमपी में एक और पार्टी बना ली है आरएसएस के पूर्व प्रचारकों ने मिल करके, क्या कहेंगे उससे? क्या बीजेपी को कटेगी वोट, कटेगा? कौन सी पार्टी बनाई है ये? जनहित पार्टी, जनहित पार्टी। मैं तो नाम सुन रहा हूँ आपसे अभी, जानकारी नहीं, लेकिन आरएसएस के पूर्व प्रचारक अगर बना रहे हैं इस तरीके से, क्या लग रहा है कि आपस में ही फूट है? आपस में ही फूट है और क्या है। ठीक है, आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम अरविंद चतुर्वेदी। चुनाव का क्या माहौल है? चुनाव का तो माहौल साहब कांग्रेस आई है, कांग्रेस आ सकती है कांग्रेस, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा महंगाई वहंगाई तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, आपको क्या लग रहा है? कांग्रेस आ सकती है, कांग्रेस आना चाहिए। सिंधिया जी उसमें चले गए हैं तो अब बीजेपी सिंधिया जी इंडिया में क्या है? आना चाहिए कांग्रेस, आना चाहिए कांग्रेस, आना चाहिए।
आपको लग रहा है सर? लग रहा है। आपको क्या लग रहा है सर? देखो क्या होता है, माहौल है वो तो हाँ। जैसे माहौल बनेगा वैसा होना चाहिए। काम कर रहे हैं कुछ स्टेट में, मोदी रहना चाहिए हाँ। एमपी में कांग्रेस आना चाहिए वैसे तो। एमपी में कांग्रेस, भैया आप भी आ जाइए। जैसे भैया कह रहे हैं कि एमपी में कांग्रेस रहना चाहिए और वहाँ पे मोदी रहना चाहिए, आपको क्या लग रहा है? उससे बदलाव आएगा और क्या है, थोड़ा तो हुए है काम क्यों हुए हाँ। काम तो बहुत हुए है लेकिन 5 साल चेंज होना चाहिए वैसे। चेंज होना चाहिए। आप लोग क्यों नहीं जाते फिर चेंज, जब ये भैया कह रहे हैं चेंज होना चाहिए? आप बताएं भैया से, ये पूछें कि सरकार की ओर से कमी कहाँ रही, ये पूछें भैया से। नहीं कह रहे ना कमी कहीं नहीं है, लेकिन चेंजिंग तो होनी चाहिए, तभी आदमी बात करता है। मतलब मोदी को देखना चाहते हैं लोकसभा में, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस कमलनाथ जी को देखना चाहते। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।